हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। गाइस, फाइनली जो है एप्पल ने अपनी लेटेस्ट आईफोन 12 सीरीज को जो है लॉन्च कर दिया है। आईफोन 12 सीरीज के अंदर जो है चार प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईफोन 12 मिनी की एंड आईफोन 12 की। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की। आईफोन 12 मिनी का प्राइस रखा है $699 अगर, एंड बात करते हैं आईफोन 12 की $799। इस प्राइस सेगमेंट में अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो गाइस ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब इस बार अगर आप जो है आईफोन 12 सीरीज परचेस करनी है, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट आईफोन 12 परचेस करते हो, तो अपनी किडनी जो है आपको बेचनी नहीं पड़ेगी। अब एप्पल ने इतनी रीजनेबल प्राइस क्यों रखी है इस बार, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट कटिंग कहां पे की है इन्होंने। इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है अपने, इन्होंने एडाप्टर आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा इनबॉक्स के अंदर, सिर्फ आपको एक लाइटिंग केबल आपको जो है देखने को मिलेगी जो कि इन्होंने यहां पे शो किया है। एक छोटा सा बॉक्स, पैरा सा बॉक्स दिखा दिया है जहां पे आपको बताया गया है कि आपको ओनली एक केबल मिलेगी उसके अंदर और आपको आईफोन 12 मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको जो है वायरलेस ईयरपोड या फिर जो है ईयरफोन आपको देखने को नहीं मिलेगी, एडाप्टर आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, बात करते हैं कि आईफोन 12 के अंदर जो है क्या-क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया है। 5G जो है कनेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब आपको जो है पहला 5G फोन आईफोन की तरफ से आईफोन 12 सीरीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो चारों ही फोन है वो 5G कैटेगरी के हैं, अगर आप लोअर वाला मॉडल लेते हो तो भी आपको जो है 5G आपको मिल जाएगा। और उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड। उन्होंने बोला है कि 200 Mbps की आपको जो है अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलेगी एंड डाउनलोडिंग स्पीड भी जो है बेटर कनेक्टिविटी के साथ आपको जो है देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने हाईलाइट किया है कि आपको यहां पर एक नया चिपसेट मिलेगा, चाहे कोई सा भी फोन हो आईफोन 12 सीरीज का, आपको मिलेगा बायोनिक A14 चिपसेट। मतलब वो जो है काफी पावरफुल है, अगर वहां पर बायोनिक A13 से कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने। और स्पीड के मामले में उन्होंने कंपेयर करके बताया है कि आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगा A14 चिपसेट के साथ में। और ये जो बायोनिक A14 चिपसेट है वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसका मतलब जो है काफी ज्यादा पावरफुल और परफॉर्मेंस देने वाला है। गाइस, बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो 5.4 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा आईफोन 12 मिनी का एंड 6.1 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा आईफोन 12 का। डिजाइन आप यहां पे देख रहे हैं काफी ज्यादा प्यारा कुछ है यहां पे डिजाइन मिल रहा है। पहले हमने देखा था आईफोन 5 के टाइम पे तो वैसा ही डिजाइन ऑलमोस्ट लग रहा है आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी का। एंड अगर बात करते हैं उसके प्रो एंड मैक्स वाले वर्जन की भी तो ऑलमोस्ट वैसा ही डिजाइन है, मतलब आपको जो है सिंपल डिजाइन मिलेगा, मतलब कोई यहां पे राउंडेड डिजाइन आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, बात करते हैं डिस्प्ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो उन्होंने वहां पे जो है नया डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया है जो कि है सुपर रेटिना XDR के बारे में। वहां पे बताया है कि आपको जो है काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा जो कि है 20:1 का स्क्रीन रेशियो, मतलब परफॉर्मेंस वाइज में आपको जो है काफी बेटर मिलेगा। और इसके अगर ब्राइटनेस निट्स की बात करते हैं तो 1200 ब्राइटनेस निट्स आपको मिल जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस वाइज में काफी अच्छा मिलेगा डिस्प्ले क्वालिटी के साथ में। गाइस, यहां पे रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उन्होंने हाईलाइट किया है आपको 1080 पिक्सल आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर कंपेयर करते हैं उसके ओल्डर वर्जन से तो वहां पे आपको 720 पिक्सल देखने को मिलता था, लेकिन अगर आप यहां पे मिनिमम वाला भी जो है आईफोन 12 मिनी भी परचेस करते हो तो भी आपको जो है 1080 पिक्सल पे जो है देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा जो है उन्होंने HDR एंड डॉल्बी विजन के बारे में भी जो है बात की है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी के साथ में। मतलब यार इस प्राइस सेगमेंट में जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एप्पल हमें जो है ये प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अब यहां पे अच्छी बात है अगर आप आईफोन 11 परचेस करने वाले थे तो वेट कर सकते हो आईफोन 12 मिनी का, मतलब एक अच्छा डिवाइस होने वाला है। गाइस, इसके अलावा बात करते हैं आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको डुअल कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। बात करते हैं कैमरा पिक्सल क्वालिटी की, तो 12 मेगापिक्सल का हमको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जहां पे अपर्चर यूज किया गया है फोकल लेंथ f2.4। एंड बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की जो कि है 12 MP का वाइड एंगल के साथ में, जहां पर अपर्चर यूज किया गया है फोकल लेंथ f1.6। मतलब क्वालिटी वाइज में पहले के कंपैरिजन में जो है अपर्चर को यहां पे कम कर दिया है, जिससे कि आपको क्वालिटी काफी बेटर मिलने वाली है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जो है इस फोन का काफी बेटर मिलने वाला है। और इसके साथ में उन्होंने जो है मैक्स सेफ के बारे में बताया है, मतलब जो है काफी सारी एक्सेसरीज भी जो है लॉन्च कर दी है और यहां पे जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सारी एक्सेसरीज, सारे वॉलेट कवर्स को यहां पे बता दिया है, मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल कवर्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहां पे हमने आईफोन 12 एंड आईफोन
आईफोन 12 मिनी की बात करी, आपको कैसा लगा ये डिवाइस? मतलब 50-55 हज़ार रुपए की प्राइस में आता है आईफोन 12 मिनी एंड 60 हज़ार रुपए की प्राइस में आता है आईफोन 12, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे, मतलब दूसरे ब्रांड को छोड़कर आप आईफोन की तरफ जाओगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइज ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या मानना है आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।